मदन दिलावर को कहां पता था कि उनके बड़बोलेपन का उनको इतना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आदिवासियों पर यही कुछ भी मन में आया यूं ही और जुबा उठाकर बोल देना उनको कितना भारी पड़ गया। अब मदन दिलावर बचते भागते नजर आ रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते अब उन्हें आदिवासी ही आदिवासी नजर आ रहे हैं। तभी तो जब जबरदस्त तरीके से पलटी मारते हुए कह रहे हैं कि इस देश में रहने वाले सभी जाति के लोग आदिवासी रहे हैं, इस देश में अनादिकाल से रहने वाले लोग आदिवासी हैं और मैं भी आदिवासी हूँ। जी हाँ, ये बात मंत्री दिलावर ने कही है। आदिवासी समाज को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा दिए बयान के बाद सियासत कम नहीं हो रही। रविवार को जयपुर में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने मदन दिलावर के आवास पर पहुंचकर डीएनए के लिए ब्लड सैंपल देने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने पुलिस कर्मियों की मदद से अपना ब्लड सैंपल सौंपा। जयपुर में मदन दिलावर के घर ब्लड सैंपल देने रवाना हुए सांसद और समर्थकों को पुलिस ने विधानसभा के आगे ही रोक दिया। यहीं पर राजकुमार रोत ने पुलिस के हाथ अपना ब्लड सैंपल सौंपा। और इस बीच पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर आदिवासियों को लेकर बयान देते हुए कहा है कि इस देश में रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं और आदिवासी सबसे श्रेष्ठ हैं। रविवार को जयपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मदन दिलावर ने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी जाति के लोग आदिवासी रहे हैं, इस देश में अनादिकाल से रहने वाले लोग आदिवासी हैं और मैं भी आदिवासी हूँ। मदन दिलावर ने कहा कि इस देश में रहने वाले ब्राह्मण राजपूत सभी वर्ग आदिवासी हैं और आदिवासी हमेशा से ही पूजनीय हैं और देश में रहने वाले सभी आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं। मदन दिलावर ने राजकुमार रोत द्वारा किए गए प्रदर्शन पर कहा कि देश में सभी लोगों को अपनी बात कहने का हक है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के डीएनए को लेकर दिए गए बयान के बाद मामला गर्मा गया और राजकुमार रोत बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ शनिवार को अमर जवान ज्योति पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस के विधायक सहित तमाम नेता वहां मौजूद थे। राजकुमार रोत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर ब्लड सैंपल देने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि यह मामला विधानसभा और संसद तक उठाया जाएगा। बता दें कि पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने एक बयान में कहा था कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते उन्हें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए कि उनका बाप कौन है। इसके बाद मामला काफी गर्माता चला गया और आदिवासी पार्टी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए मदन दिलावर से माफी मांगने को कहा। इसके बाद शनिवार को आदिवासी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग रखी गई। क्या कहना है आपका इस पर, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। वो कुछ भी कहें पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में रहने वाले सब आदिवासी हैं और क्योंकि हिंदुस्तान है इसलिए सब हम हिंदू हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हों, चाहे भी धर्म उपासना किसी भी धर्म उपासना के हों। मेरा स्टेटमेंट यही है कि इस देश में सभी आदिवासी हैं, यानी आदिवासी का अर्थ अनादि काल से रहने वाले लोग सभी आदिवासी हैं। मैं भी आदिवासी हूँ, ब्राह्मण भी आदिवासी है, राजपूत भी आदिवासी है, सब आदिवासी है और आदिवासी श्रेष्ठतम लोग हैं, यानी हिंदुस्तानी श्रेष्ठतम है और उनका सबका सम्मान हम करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। वह उनसे पूछ लो, वह उनसे पूछ लो भाई, वह है कि नहीं मैं क्या बताऊँ। वो कुछ भी कहे तो मैं क्या करूँ, वो स्वतंत्र किसी को भी दे सकते हैं, मैं क्या कहूँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ। क्या स्टेटमेंट था मेरा, स्टेटमेंट यही है कि इस देश में सभी आदिवासी हैं, यानी आदिवासी का अर्थ अनादि काल से रहने वाले लोग सभी आदिवासी हैं। मैं भी आदिवासी हूँ, ब्राह्मण भी आदिवासी है, राजपूत भी आदिवासी है, सब आदिवासी है और आदिवासी श्रेष्ठतम लोग हैं, यानी हिंदुस्तानी श्रेष्ठतम है और उनका सबका सम्मान हम करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। वो कुछ भी कर सकते हैं सांसद महोदय, किसको किसको मुझे पता नहीं, मैं तो वेट किया 9 बजे तक। वो स्वतंत्र किसी को भी दे सकते हैं, मैं क्या कहूँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ। वो कुछ भी कहें पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में रहने वाले सब आदिवासी हैं और क्योंकि हिंदुस्तान है इसलिए सब हम हिंदू हैं,
चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हो, चाहे भी धर्म उपासना, किसी भी धर्म उपासना के हो। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर जीरो से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी जीरो से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। दो महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो, हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA, BEd, BSc, BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का, तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।